हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं MI के पॉकेट पावर बैंक की। ये मैंने कल रिसीव किया था, कल दिवाली का दिन था, बट बिज़ी होने की वजह से मैं इसको ओपन नहीं कर पाया था, तो अब मैं इसको आज ओपन कर रहा हूँ। और पावर बैंक हम सबको पता है हमारे दिमाग में कैसी इमेज बनी हुई है, एक बड़ा सा ब्रिक जैसा होता है। मैंने रिसेंटली एक एम्ब्रेन का पावर बैंक लिया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इतना एक बड़ा मोटा सा एक पावर बैंक की हमारे दिमाग में इमेज बनी हुई होती है। ये 20,000 mAh का है, तो मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा था ये। बट ये पावर बैंक MI ने एक नया निकाला है, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है। छोटे साइज़ का होने की वजह से काफ़ी इजीली पॉकेट में फिट हो जाता है, इसलिए इसका नाम पॉकेट पावर बैंक रखा हुआ है। और इससे पहले कि पैकेट खोले, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखता कैसा है और क्यों मैंने अभी रिसेंटली 20,000 का MH ख़रीदने के बावजूद मैंने रिसेंटली इसको ऑर्डर किया है। तो ये ऐसा दिखता है, इतना छोटा पावर बैंक है ये, आप देख सकते हैं 10,000 mAh का ही है। और चलिए, अब पावर बैंक तो हमने देख लिया, अब इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। तो चलिए पैकेट को फाड़ते हैं, इनको रखते हैं साइड, देखते हैं। पैकेजिंग तो अच्छी थी, ऑफ कोर्स दिवाली की पैकेजिंग थी। तो ये देखिए, यूजुअली इतना छोटा ही इसका पैक आया है, बॉक्स आया है, और यूजुअली इतना बॉक्स आता है हेडफोन का और ये सब, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पावर बैंक का साइज़ कितना छोटा होने वाला है और क्यों ये इतना, इसका नाम पॉकेट पावर बैंक रखा गया है। तो अगर मैं इसमें इसके फीचर्स की बात करूँ, तो जिस वजह से मैंने इसको ख़रीदा है, क्योंकि इसमें 22.5 वाट का फास्ट पावर चार्जिंग है। और बाकी ये फीचर्स तो अपने आप में खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आप देखेंगे सुपर लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है और 12 लेयर प्रोटेक्शन है, जो कि जनरली इसको ओवर चार्जिंग और ऐसी प्रॉब्लम से बचाता है। मेड इन इंडिया ब्रांड है, आजकल हर कोई इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर है, तो मेक इन इंडिया ब्रांड देख सकते हैं। बाकी अगर प्राइसिंग की इसकी बात करें, तो यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया है, बट मैंने 1099 में ख़रीदा है, लिटरली 1100 रुपये का आप कह सकते हैं, इसी प्राइस में मिल रहा है और ये सेल प्राइस पे था। हालांकि अगर आपको 10,000 mAh का नॉर्मल पावर बैंक ख़रीदना है, तो एक बड़ा वाला पावर बैंक भी आता है, वो इससे सस्ते दाम पे भी अवेलेबल है, 799, बट ये थोड़ा सा इससे महंगा है, शायद ये अपने कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से थोड़ा सा महंगा है। तो ये सील लगी हुई है, लेट्स सी इसको ब्रेक करके कि अंदर से प्रोडक्ट कैसा है। हमेशा की तरह पैकेट मेरे हाथ से फट जाता है, यहाँ पे भी आज वैसे ही हुआ, कुछ नई बात नहीं है। तो ये हमने पैकेट ओपन कर लिया है, पैकेट ही इतना छोटा है। तो ये बॉक्स के साथ ये है अपना प्रोडक्ट, देखिए कितना छोटा है। इसको पैकेजिंग से रिमूव कर लेते हैं, पैकेजिंग को करते हैं साइड। ये देख लीजिए, और वाकई में काफ़ी हल्का भी है कंपैरेटिवली। मैंने सोचा था जिस हिसाब से ये मोटा है, थिक है, उस हिसाब से थोड़ा सा हैवी होगा, बट ये बिल्कुल हैवी नहीं है, कंपैरेटिवली बहुत ही हल्का है, छोटा है। ये देखिए, एक हाथ में फिट हो जाता है, बहुत छोटा है। अगर मैं इसको दूसरे पावर बैंक से कंपेयर करूँ, आप ये देख लीजिए, ये पूरा एक हाथ के बराबर तो अकेला पावर बैंक ही है। थिकनेस नियरली दोनों की सेम है, आप देख सकते हैं थिकनेस में दोनों नियरली सेम ही हैं, बट साइज आप देख सकते हैं कितना छोटा है। तो शायद इसी वजह से थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट कॉम्पैक्टनेस के तो फ़ायदे ही मिलेंगे हमें इसके। तो ये जैसा कि हमने पावर बैंक को ओपन तो कर लिया, लेट्स सी क्विकली इसमें और क्या क्या आ रहा है। थोड़ी देर के लिए सुसाइड रखते हैं पावर बैंक को, आई थिंक बॉक्स का काम ओवर हो चुका है, पावर बैंक को हम रखते हैं अपने साइड में। और बॉक्स में हमें मिलती है एक केबल, चलिए मैं केबल निकाल लेता हूँ। इन्होंने केबल को इतना मुश्किल क्यों बना के रखा हुआ निकालने के लिए, शायद मुझे पैकेट तो फाड़ना ही पड़ेगा। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि सारे पैकेट्स मुझे फाड़ने पड़ते हैं, बाकी रिव्यूअर्स का मैं देखता हूँ काफ़ी ईजिली निकल जाती हैं केबल्स, बट इट इज़ ऑल्सो फन। सो ये आपको एक केबल मिलती है, एंड अच्छी बात यह है कि ये टाइप सी केबल है। जनरली बाकी पावर बैंक्स में टाइप माइक्रो USB मिलती है, तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने आपको टाइप सी केबल दी है, आपके काफ़ी काम आने वाली है। सो
आई होप फास्ट चार्जिंग में भी आपके लिए ये बहुत ईजी होगा। कुछ पेपर वर्क है जिसको कोई पढ़ता नहीं है कभी भी, ना कि मैं, रखते हैं साइड। कैंची का अपना काम हो चुका है और केबल भी अच्छी क्वालिटी की है, आप इस पर डिपेंड कर सकते हैं। फिलहाल इसको भी करते हैं साइड। तो वापस आते हैं हम अपने पावर बैंक की तरफ। अगर हम लोग टेक्सचर की बात करें तो इसमें कुछ लाइंस बनी हुई हैं, आपको शायद ये आवाज़ भी सुनाई दे। तो टेक्सचर अच्छा है, ये स्लिपरी नहीं है। अगर जैसे मैं आपको इसको बताऊं, ये एम्ब्रेन का पावर बैंक है 20,000 का। इसकी सरफेस बहुत ही सॉफ्ट स्लिपरी है, बट इसकी थोड़ा सा रफनेस है, थोड़ा सा एक लाइंस वाला डिज़ाइन है इसमें। ईजी टू होल्ड बनाता है क्योंकि काफ़ी छोटा है, तो ईजी टू होल्ड है, लेकिन अच्छी बात है, काफ़ी फ़ायदा रहेगा इस डिज़ाइन का। अब अगर हम लोग आते हैं वापस इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपको मिलते हैं दो USB पोर्ट और साथ ही इसमें मिलता है आपको एक माइक्रो USB पॉइंट और एक USB पॉइंट चार्जिंग करने के लिए। और ये इसमें एक पावर बटन है, मैं इसको फर्स्ट टाइम ऑन करने जा रहा हूँ। तो ये फ़िलहाल मैंने इसको ऑन किया, अभी शायद इसमें इतना ही चार्ज है, दो लेवल्स बचे हुए हैं इसमें। फाइन, इसको हम लोग चार्ज कर लेंगे। और इसको, इसका फ़ायदा इसमें ये है कि ये 10,000 mAh का तो है, पर डेफिनेटली आपको 10,000 mAh इसमें नहीं मिलने वाला है। हो सकता है 8 या 7 के अराउंड आपको 7,000 mAh तक इसमें मिले बैकअप। इसका मतलब ये है कि आप, हो सकता है 2 या 3 बार अपने फ़ोन को चार्ज कर पाएँ अगर वो 3,000 mAh की बैटरी से ऊपर का है। तो इसका एक फ़ायदा और भी है इस पावर बैंक का, कि अगर आप इस वाले बटन को डबल प्रेस करते हैं तो ये एक लो पावर मोड पे चला जाता है। और इसमें ये होता है कि अगर आपको अपना रिस्ट बैंड या स्मार्ट वॉच कुछ चार्ज करनी है जिसमें पावर इतना फास्ट चार्जिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इजीली इससे सेफली इसको चार्ज कर सकते हैं। आपको बस डबल प्रेस करना है और ये लो चार्जिंग मोड पे चला जाएगा। डबल प्रेस करेंगे वापस आ जाएगा और फिर आप नॉर्मली इसको अपना यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपना फास्ट चार्जिंग मोड में आप लोग करते हैं। सो ये इसका एक फ़ायदा है, बेनिफिट है इसका ये। और जैसा कि हमने बात करी, यहाँ पे इसका MI का लोगो है, अगर आप देख पाएंगे 10,000 mAh का है ये पावर बैंक। अब ये तो हमने बात कर ली है इसके फ़ायदे नुकसान की, और अब ये देखते हैं कि इसकी एक्चुअल में डायमेंशन कितनी है, कंपनी क्या क्लेम करती है ये कितना बड़ा है। और ये मैं हवा में बात नहीं करूँगा, ये मैं विद प्रूफ ही बात करूँगा। तो अगर आप देखें तो ये इसका प्राइस है, ये इनकी वेबसाइट पर ही मेंशन है। और जैसा कि आप इसमें देख पाएंगे, 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग है। ये इसमें ट्रिपल आउटपुट पॉइंट है, माइक्रो USB टाइप सी है, पॉकेट साइज़ है, 12 लेयर प्रोटेक्शन इसमें मिलती है। और ये देखिए, फास्ट चार्जिंग की ही बात करी हुई है, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और ये इन्होंने इसमें ये बताया हुआ है, अगर आपके पास MI A3 फ़ोन है तो आप इसको 2.5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। MI वॉच है, वो भी 2.5 घंटे में नियरली चार्ज हो जाती है। MI बैंड है, वो 1.5 घंटे में चार्ज होता है। iPhone है तो वो 1 घंटा 45 मिनट में चार्ज हो जाता है। हालांकि Apple चार्जर उस iPhone 11 को चार्ज करने में लेता है 3.5 घंटे। तो अगर आपके पास iPhone है तो आपके तो मज़े आने वाले हैं। इसमें 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन है, जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ था। और ये सारे फीचर्स से लैस है, टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, आउटपुट शॉर्ट सर्किट है, रिसेट प्रोटेक्शन है, और इतनी सारी प्रोटेक्शन है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये सारे फीचर्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, माइक्रो USB है, टाइप सी इनपुट है। और इसी के साथ हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो अगर आप देखते हैं, लिथियम पॉलीमर बैटरी है इसमें, कैपेसिटी 10,000 mAh है। ये हैं सो बेसिकली जो मैं आपको दिखाना चाहता था इसकी साइज़ की डायमेंशन। तो ये 9 सेंटीमीटर्स की हाइट है इसकी, विड्थ है ये 6.39, थिकनेस इसकी 2.44 सेंटीमीटर है। आउटपुट ये 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। ट्रिपल पोर्ट है, USB A है, USB C है, आप देख सकते हैं 5 volt 9 volt के। अब अगर आप बात पूछना चाह रहे थे कि चार्जिंग में कितना टाइम लेता है, तो कंपनी के हिसाब से ये 3 घंटे 8 मिनट
लेता है चार्जिंग में, और वो जब आप इसमें 9 वोल्ट का चार्जर लगाते हैं, अगर आप इसमें 5 वोल्ट का चार्जर लगाते हैं तो ये नियरली 6 घंटे लेगा, और चार्जर इसके साथ नहीं मिलता है, ये इन्होंने पहले ही आपको बता दिया है। तो अब अगर हम मोटी मोटी बात करें तो मैंने ये चार्जर सिर्फ इस वजह से ख़रीदा है, ये पावर बैंक सिर्फ इस वजह से ख़रीदा है इसकी कॉम्पैक्टनेस की वजह से। बहुत ही छोटा है, एक हाथ में आ जाता है, फिट हो जाता है बड़ी ईजीली, और आप इसको ईज़िली पॉकेट में भी फिट कर सकते हैं, और जिस वजह से ये मतलब अभी सडनली काफ़ी पॉपुलर हो गया है, और मैंने भी इसको ख़रीदा है। हालांकि मुझे इसकी इमीडिएटली ज़रूरत नहीं थी, अगर आप देखेंगे तो मैंने रिसेंटली मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने इस एम्ब्रेन पावर बैंक का, जो कि 20,000 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है। तो बट जो दिक्कत मुझे थी हमेशा की तरह, वो इसके हैवी वेट होने की वजह से, इतना बड़ा इसकी हाइट है कि इसको हमेशा कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसी वजह से फिर मैंने इसको स्विच किया है MI पावर बैंक पे। तो लेट्स सी कि ये थोड़ा बहुत क्या कर सकता है चार्ज। तो चार्जिंग के लिए हम लोग देखते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने बात करी इसके फीचर्स के बारे में, तो चलिए देखते हैं कि चार्जिंग कैसी करता है, क्या ये फास्ट चार्जिंग करता है। तो मैं इस USB पोर्ट से इस फ़ोन को, ये MI का ही फ़ोन है, और मैं इसको चार्ज करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये मैंने फ़िलहाल iPhone लगा दिया है, तो देखते हैं। यस, iPhone चार्ज कर रहा है, तो iPhone के साथ इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देख पाएंगे, iPhone चार्ज कर रहा है आराम से। तो ईज़िली अपना iPhone चार्ज हो रहा है एक पोर्ट से। नाउ लेट्स सी अपना Android चार्ज करने की कोशिश करते हैं। और चलिए कोशिश करते हैं अपना Android फ़ोन को चार्ज करने की। चलिए, ये भी चार्ज हो रहा है आराम से। तो अगर हम लोग देखें, एक ही बारी में हम लोग अपने दोनों फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं ईज़िली। ये अपना iPhone चार्ज हो रहा है, और ये अपना चार्ज हो रहा है, तो अपने दोनों फ़ोन एक साथ चार्ज हो रहे हैं, ये iPhone और ये अपना Android। दो फ़ोन इसमें आराम से आप चार्ज कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा, लाइफ इजी कर देगा। और सबसे बड़ी बात जो इसकी कॉम्पैक्टनेस है, वो इसका सबसे बड़ा सेलिंग फैक्टर रहेगा। हालांकि अगर आपको 10,000 mAh का सस्ता अगर आपको चाहिए पावर बैंक, तो वो भी अवेलेबल है, और वो 799 रुपये, और सेल में तो शायद वो 699 का मिल रहा था। तो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और आपको एक छोटा सा पावर बैंक चाहिए, तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। बहुत ही हल्का है ये, बहुत ही हल्का है। और अगर मैं इसका वेट एक बार चेक कर पाऊँ, हालाँकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है इसका वेट कितना ग्राम है। हाँ, इसका कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, अदरवाइज़ मैं ज़रूर आपको बताता। तो कॉम्पैक्टनेस की वजह से आप इसको ज़रूर ज़रूर ख़रीदना चाहेंगे, बहुत ही ईजी हो जाता है, और पॉकेट में तो ये बड़े ही आराम से फिट हो जाता है। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट पावर बैंक ख़रीदना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है। आपको ये पावर बैंक कैसा लगा, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में अपने शेयर कीजिएगा मेरे से कमेंट, और लेट्स सी कि आपको ये रिव्यू कैसा लगता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो रिव्यू में। थैंक यू सो मच।